गगरेट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चैतन्य शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जैसे ही एटीएस ग्राउंड कलरूही पहुंचे तो उनके समर्थकों एवं गगरेट की जनता ने उनको पलकों पर बैठाकर उनका स्वागत किया, साथ ही फूलों के हारों से उन्हें लाद दिया। चैतन्य शर्मा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के उद्घोषों के बीच चैतन्य शर्मा नामांकन पत्र दाखिल करने रवाना हुए। चैतन्य शर्मा का जगह जगह समर्थकों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर चैतन्य युवाओं का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूले और नामांकन दाखिल करने गगरेट की तरफ बढ़ गए। गौर रहे कि जिला परिषद चुनावों में भंजाल वार्ड से हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले चैतन्य शर्मा ने गत दिवस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। गुरुवार को चैतन्य शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला एवं रानी प्रतिभा सिंह जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं से शिष्ट भेंट कर जहाँ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वहीं अपनी टिकट पर भी मुहर लगवा ली। गौर रहे चैतन्य शर्मा अपनी स्वयंसेवी संस्था जिला परिषद चुनावों के बाद से युवा शक्ति पराक्रम के बैनर तले लगातार जनसेवा के अभियान में जुटे हुए थे। शायद इसी वजह से वह कांग्रेस हाईकमान को रिझा पाए और जनता की भी पहली पसंद बने हुए हैं। आप भी देखिए चैतन्य शर्मा का वार्म वेलकम।